ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान है, ठीक है। तो हम लोग चाय पीने जाते थे, पहले तो वो कैश लेता था या वो महीने का हिसाब कर लेता था। अब वो बोलता भैया आप QR कोड लगा दिया, मैंने स्टिकर लगा दिया है, आप हमको उसमें पेमेंट कर दीजिए, स्कैन कर दीजिए। अब हम लोग स्कैन कर देते हैं, उसके पास उसका पैसा पहुंच जाता है, ही इज वेरी हैप्पी। वो बंदा जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड था, इस टाइप के 50 करोड़ लोग हैं जिसके बैंक अकाउंट खुले हैं और वो आज उनके बैंक में पैसा आ रहा है, UPI से आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। बट आप एक चीज देखिए, जब UPI से पैसा आता है और एक चाय वाला सपोज कीजिए वो 100 चाय बेचता है दिन में और 15-20 रुपया जो भी वो लेता है, आप सोचिए वो 100 चाय भी अगर बेचता है और 20 रुपया भी लेता है, तो वो भाई महीने दिन का कितना चाय बेचा, 2000, महीने का कितना चाय बेचा, 60,000, और 12 महीने का कितना बेचा, 7,20,000, 7 लाख पकड़ लीजिए आप, तो उसकी 7 लाख की कैश फ्लो हो जाती है। पहले वो कैश फ्लो क्या था, कैश में था, अब क्या है वो बैंक में आने लग गई, तो उसकी क्या हो रही है, बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है, क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है। अब कोई भी बड़ा बैंकर आता है, वो देखता है अरे भाई ये चाय वाले के तो 6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का तो कैश फ्लो है साल का, इसको तो मैं 10 लाख का लोन भी दे दूं तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, इसका कैश फ्लो है, वो मेरे को सर्विस कर देगा। नाउ दैट पर्सन हैज बिकम क्रेडिट वर्दी, जिसको उसको कोई क्रेडिट नहीं देता था, जिसको उसको कोई टच नहीं करता था, आज वो मेन स्ट्रीम में चला गया है, फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो गया है, उसको क्रेडिट फ्लो मिलने लग गया है, क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है उसकी, और आज उसको जब क्रेडिट मिलता है सस्ते ब्याज दर में तो वो एक्सपैंड कर रहा है। तो आप सोचिए ऐसे 50 करोड़ लोग जब वो एक्सपैंड करते हैं तो हमारी इकोनॉमी कहां जाएगी, मतलब ये 50 करोड़ लोग बेंच में बैठे हुए थे, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, नाउ टुडे दे आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। हम चंद्रयान में हमने 7 इंजन लगाए, 7 प्रोपल्शन लगाए और चंद्रयान को मून में भेजा। आज आप सोचिए आज हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऐसे 50 करोड़ माइक्रो इंजिन्स लगे हैं, छोटे छोटे माइक्रो इंजिन्स, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख, बट दैट मनी इज बीन इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी। पहले वो इकोनॉमी में नहीं, पैरेलल इकोनॉमी में चली जाती थी, आज वो इंक्लूड हो रही है। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक बूस्ट मिल रहा है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई अवर इकोनॉमी इज डूइंग बेटर। ऑल्दो द यूरोपियन काउंटर पार्ट ले लीजिए, अमेरिकन काउंटर पार्ट ले लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी ले लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन में जा रहे हैं, इंडियन कंट्रीज ग्रोइंग एट 7% 8% का ग्रोथ रेट, फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है इंडिया की। वी आर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। अभी आप देखो, क्योंकि ये छोटे छोटे जो इंजिन की मैं बात कर रहा हूं ना, वो प्रोपेल कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, तो वो उस तरह से जा रही है।